हेलो भाई, स्वागत है आप सबका मेरे एक नई वीडियो में और एक नए दिन में। तो भाई आज यार मैं काम पर नहीं गया, आज भाई मैं घर पर हूँ, क्योंकि यार मेरा थोड़ा सा ना तबीयत ख़राब हो गया है, पेट ख़राब हो गया यार। तो पता है बार बार वो टॉयलेट लग रही है, तो चक्कर में काम पर नहीं जा पाया। तो अभी तो यार जा रहा हूँ मैं बाल कटवाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो गर्मी भी लगती है। जाए चाबी स्कूटी की, चल के चल रहे, चलो जल्दी जल्दी चलो। चले ठीक है, बाय। जाओ देख के नहीं आना, बच्चे लोग हैं, चप्पल दिख रहे हैं। नहीं 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 जल्दी से जा, जाओ जाओ जाओ। तो ठीक है भाई, सुफियान को मैंने छोड़ दिया, अब चलते हैं बाल कटवाने के लिए। तो भाई आज दिन है दूसरा और मैं रेडी वेडी हो गया हूँ, जा रहा हूँ काम पे। तो बाल वाल भी मैंने कटवा लिए एकदम, अब तो मतलब तो कि थोड़ा सही लग रहा है यार। गर्मी बड़ी लग रही थी भाई बड़े बड़े बालों में, इसलिए मैंने ना छोटे करा लिए, कि ठीक है यार, है ना, गर्मी में कौन यार बाल को ऐसे करता रहेगा। और टाइम भाई हो गया है 2:13, है ना, 2:15 हो गए, तो बस चलने अभी। पहले तो यार मैं अपनी गाड़ी के टायर में हवा डलवाऊँगा और फिर उसके बाद फिर गाड़ी लेके जाऊंगा। यार टायर ना मेरा पंचर है, और यार मेरे को ना सोच रहा हूँ कि यार बनाओ कि ना बनाओ, दो दो तीन तीन दिन तो ना टायर चल जाता है, उसके बाद जाके थोड़ा कम होता है। तो इसलिए ना मैं अभी बनवा नहीं रखा, छोड़ रखा है उसको वैसे ही। जिस दिन मतलब कि दूसरे दिन में हवा निकलने लग जाएगा तेज, तो फिर मैं बनवा लूँगा पंचर। और आज भाई संडे का दिन है, तो देखते हैं आज कैसा काम हो रहा है संडे के दिन। वैसे मोबाइल में तो देखने में हल्का लग रहा है काम, लेकिन हो जाएगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो ठीक है भाई, हवा तो गाड़ी में डलवा लिया, अब बस ऑनलाइन ही हो जाता हूँ मैं। तो भाई मेरे को ऑनलाइन होती एक ड्यूटी आ गई बढ़िया सी नेहरू प्लेस की, और ये ड्यूटी संगम बिहार से आई है। तो चल रहे फिर इनको पिकअप करने के लिए, 6 मिनट में पहुँच जाएंगे। संगम बिहार वही मतलब वजीराबाद और बुराड़ी के बीच में पड़ता है, सही है, मेन रोड पर ही है लोकेशन, कोई अंदर नहीं आना गली के। भाई क्या थार आ रही है, अलॉय व्हील देखे उसके कितने चौड़े चौड़े अलॉय व्हील लगा रखा है भाई। ये बड़ा रॉन्ग साइड से आ रहे हैं सबके सब ब्लैक कार लेकर। और भाई मैं आज गैस नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी गाड़ी में गैस है, ठीक ठाक गैस है, आधे से ज़्यादा है, कम से कम है 70% है बस। भाई अब यहाँ से फ्लाईओवर से उतरते ही ना मैं लेफ्ट यू टर्न मार लूँगा, थोड़ा सा रॉन्ग होगा लेकिन वो सर्विस रोड है, तो वहीं रॉन्ग वोंग कुछ चलता नहीं है वहाँ पे, और वहीं पे जाके अपना सवारी मिल जाएगी। बहुत थोड़े से गैप से भाई मोड़ा गाड़ी, अभी नहीं तो क्रेटा में टच हो जाती। चलो भाई इसका फोन भी आ गया, जरा देखूं क्या कह रही है। हेलो, हाँ जी मैडम जी, मैं लोकेशन पे आ गया, चार नंबर गली से। हाँ जी हाँ जी, 4 नंबर गली के सामने ही खड़ा हूँ, ठीक है ठीक है, आ जाओ। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ नेहरू प्लेस, और ये ड्यूटी हो गई है मेरी कंप्लीट, पेमेंट भी मैंने ले लिया है इनसे, 257 रुपये का बिल आया भाई, लेकिन मेरे को इससे ज़्यादा मिलेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई अपडेट हो गया, 264 रुपये, और जो मैडम जा रही है यही मैडम थी मेरी गाड़ी में। तो ठीक है, अभी यार गाड़ी में गैस तो है, लेकिन यहाँ पर पास में एक CNG पम्प भी है, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि CNG पंप ही चले जाऊँ और गैस डलवा लूँ। ड्यूटी आएगी तो कर लूँगा, नहीं आएगा तो गैस डल जाएगी गाड़ी में,
तो चलना सीएनजी पंप और ड्यूटी बच जाएगी तो ठीक है। देखो फिर से आई है, कहाँ की आई है, इस ला इस पता नहीं कहाँ की है, 162 रुपये दिखा रहा है। और आज भाई संडे का दिन है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही गाड़ी चलाने में, एकदम मजे से गाड़ी चल रही है। और ये सीएनजी पंप तो है यार, लेकिन लाइन काफ़ी लंबी सी दिख रही है भाई, नहीं लंबी नहीं छोटी लाइन है। गलती से भाई फरीदाबाद की ड्यूटी मैंने उठा ली है गुड़गांव की समझ के, अब यार इसे कैंसिल करना पड़ेगा। और एक चीज़ और हो गई है यार, ये सीएनजी पंप ना पता है बंद है, पता नहीं क्यों बंद कर रखा है। खामे खाका मैं इतना घूम के आ गया, और चलो ड्यूटी तो मैंने हटा दिया, खामे खामे इतना घूम के भी आ गया, सीएनजी पंप भी बंद है। ये वाला पंप खुला हुआ है लेकिन इसमें लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, और गाड़ी में पीछे भी नहीं कर सकता। अब यार ड्यूटी ड्यूटी कर लेता हूँ द्वारका, और कि वहीं से कहीं गैस चला लूँ कहीं किसी और पंप पे। भाई मेरे सीएनजी पंप खोल गया यार, मज़ा आ गया। ये लो भाई गैस डलवाने के बाद भी देखो प्रेशर नहीं मिली यार, ये देखो इस सीएनजी पंप पे। भाई मैंने हमेशा ये चीज़ नोटिस करी, प्रेशर हमेशा कम रहता है। दिल्ली कंटेनमेंट, चलो यार यही ड्यूटी कर लेते हैं दिल्ली कंटेनमेंट की। 20 किलोमीटर का ट्रिप है और 220 रुपये मिलेंगे बस। ड्यूटियाँ तो भाई वैसे बहुत बज रही है, एक के बाद एक कंटिन्यू ड्यूटी बजे जा रही है, लेकिन भाई जो करने वाली होती है ना वो मतलब कि वो नहीं मिल रही। और भाई मैंने ना ओला पे भी ऑनलाइन हो गया और रैपिडो पे भी, क्योंकि इससे बेटर कोई ड्यूटी आ जाए ना गुड़गांव की तो मैं वो पिक कर लूँगा। तब तक चलते हैं इनके पास, इनका रिप्लाई भी आ गया है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि किसी दुकान के पास खड़े भंडार के पास। उबर भाई आजकल ना यार किराया बहुत कम देने लग गया है। अभी देखो जो मैं ट्रिप लेके आया हूँ लास्ट वाली नेहरू प्लेस की, उसमें भाई मैंने 28 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, लेकिन उसने कितने रुपये दिया है, 267 रुपये दिया है 28 किलोमीटर गाड़ी चलाने का, यानी कि 10 के हिसाब से भी रेट नहीं दिया। और जो अभी दिल्ली कैंट की आई है ये 20 किलोमीटर लेके जाना है ट्रिप पे, और इस पर दिखा रहे हैं 228 रुपये, तो 5% इसमें से भी टैक्स कटेगा, तो फिर वही मिलेगा मेरे को 210-12 रुपये के आसपास मिलेगा मेरे को। तो मतलब कि ना बिल्कुल रेट टू रेट दे रहा है या उससे भी कम दे रहा है भाई, ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा। ऊपर भाई तभी दे रहा है जब यार डिमांड लग रही है ना, सर्च लग रहा है तभी दे रहा है, नहीं तो भाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा। अरे भाई ये पतली पतली गली में से कहाँ बस लेके आ रहा है, ये तो रगड़ देगा। तो भाई मैं पहुंच गया हूं अभी टर्मिनल 3 के एयरपोर्ट पर, और ये कहां से आ गए हैं, निजामुद्दीन, चलो चले लेते हैं। और भाई दिल्ली कैंट वाली ड्यूटी मैंने कंप्लीट कर ली, और वहां से मेरे को तुरंत एयरपोर्ट की ड्यूटी मिल गई, तो मैं एयरपोर्ट भी लेकर आ गया सवारी को, और यहां से भी ड्यूटी मिली गई है अभी आपने देखा निजामुद्दीन की। तो चल रहे फिर इनको पिक करने के लिए सीधा पिकअप पॉइंट पे उबर के। मेरे को गुड़गांव जाना था भाई यार, गुड़गांव की भी ड्यूटी नहीं आ रही। मैं ओला पे भी ऑनलाइन हो ही जाता हूँ, नहीं तो ना ड्यूटी आ जाएगी तो ठीक रहेगा। फोन भी आ रहा है। हेलो, हाँ जी, हेलो, मैंने अभी एक राइड बुक की है। जी जी आ रहा हूँ मैडम जी मैं। नहीं नहीं वेट कीजिए थोड़ा, क्या आप थोड़ा डिले कर सकते हैं 5 मिनट या 10 मिनट? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेट कर लूंगा। ठीक है ठीक है, अभी आप कहाँ हैं? लैंड हुए ना। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा बैग मिलने में शायद थोड़ा टाइम लगता है। ओ चलिए ठीक है मैडम जी, ठीक है, थैंक यू, मैं आपको कॉल करती हूँ। हाँ जी मैडम ठीक है, बता देना आप। अरे यार इनका तो अभी, ये तो अभी लैंड ही करिए, तो यार इनको तो सामान वान मिलने में भी टाइम लग जाएगा, क्या करूँ। कोई नहीं, उबर के पिकअप पॉइंट पे चलते हैं, और जब तक ये आ जाएंगी ठीक है, नहीं आएगा तो आएंगी तो कैंसिल कर देंगे और दूसरी रूट उठा लेंगे वहाँ से। तो भाई वो ड्यूटी मैंने कैंसिल कर दी, 5 मिनट वेट कर लिया, वो आई नहीं, और दूसरी ड्यूटी फिर आ गई मेरे पास गुड़गांव की। तो ठीक है, उनको मैं कॉल कर लेता हूँ और पूछ लेता हूँ ये है कहाँ पे।
मैंने कॉल भी मिलाया था उनको लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही थी। तो भाई ये ड्यूटी भी हो गई मेरी कंप्लीट और मैं पहुंच गया हूँ सेक्टर 11 गुड़गांव। और भाई ड्यूटी तो यार आ रही कंटिन्यू एक के बाद एक। एक एम्बेंस मॉल की भी आई थी यार लेकिन मैं सोचा कि जब तक उठा लूँ तब तक यार वो हटी गई ना। उसके बाद से ना बस फिर ऐसे ही वैसे ही ड्यूटी आ रही है। और फरीदाबाद की भी आ रही है भाई और वहाँ का किराया भी ठीक ठाक दिखा रहा है लेकिन फरीदाबाद भाई जाना नहीं है। ये कहाँ का है? छतरपुर। छतरपुर भी नहीं करनी। तो काम तो भाई आज हो रहा है और मुझे जो इस ट्रिप पे किराया मिला है आपको दिखा देता हूँ, 231 रुपये मिले हैं। और गाड़ी चली है 21 किलोमीटर और 38 मिनट का टाइम लगा है। और जो भाई मैंने कैंसिल करी थी ड्यूटी एयरपोर्ट की उस पर मिले हैं 36 रुपये। और जो मैं एयरपोर्ट लेके आया था दिल्ली के एंड से उस पर 189 मिले हैं। 14 किलोमीटर गाड़ी चली है। ठीक है भाई, तो अब तक मेरा काम हो गया 944 रुपये का और चार ट्रिप मैंने कंप्लीट कर ली है। एक ड्यूटी और आ गई है एम्बियंस मॉल की, फिर से आ गई तो मैंने पिक कर लिया इसको। जाता हूँ फिर इसको रिसीव करता हूँ फिर लेके चलता हूँ एम्बियंस मॉल, वहाँ से तो फिर दिल्ली की ड्यूटी कोई ना कोई बढ़िया आ ही जाएगी। हाँ जी मानस जी बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है, पहली बार आप ऊबर में बैठे हैं? अबे वो बताऊं तुझे, पहली बार जब गोवा गए थे ना। नहीं वो गोवा की बात थी। और बेशरम। और सर आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आप बच्चे को आगे बिठा के ले जा रहे हैं? अच्छा हाँ जी अप्पू जी आप बताइए, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग ब्रो? एक्सपीरियंस चॉकलेट शेक। अप्पू इज ड्रिंकिंग चॉकलेट शेक फॉर योर हीलिंग। भैया वीडियो के चक्कर में गाड़ी मत भगा देना यार बस आप। तो भाई मेरी गुड़गांव वाली ड्यूटी हो गई कंप्लीट और गुड़गांव से एम्बियंस मॉल से ही मेरे को अगली ड्यूटी मिल गई थी, ये जीके की। जीके से थोड़ा सा हटके है ये कॉलोनी लेकिन जीके में ही आता है। तो मैं ये ड्रॉप कर दिया और भाई एक और ड्यूटी मिल गई कंटिन्यू। भाई बैक टू बैक ड्यूटी आ रही है, मतलब कि ठीक ठीक ड्यूटी आ रही है। तो ना अब इसको ही पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ और इनको छोड़ना है राजेंद्र नगर। ज़्यादा दूर से पिकअप नहीं है, मेरे ख्याल से 200-250 मीटर दूर होगा जहाँ से पिकअप करूँगा मैं। इस्कॉन टेम्पल से पिकअप करना है तो चलते हैं इनको पिक करने के लिए। और ये ड्यूटी ख़त्म करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरा कितने का काम हो गया अब तक और इस ट्रिप पे कितने मिले और जो मैं एम्बियंस मॉल लेके आया था सवारी को उस ट्रिप पे कितने मिले मेरे को। तो पहले ये ट्रिप मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। और जाना कहाँ से, आगे से यहाँ से निकल जाएंगे? हाँ निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है भाई, काफ़ी यार गली के अंदर आ गया था यार वो तो। शुक्र है भाई कोई सामने से कार नहीं आ रही थी, आ रही होती तो पक्का फंस जाते भाई। बहुत ट्रैफिक है यार। मेरा राइट हैंड पे ना ये इस्कॉन टेम्पल है, दिख नहीं रहा लेकिन है राइट में, तो इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। और सवारी भी हमारी यहीं से आ रही है, इनसे बात तो गई है। और रोड के ये ना अपोजिट वाले साइड में भी आ गई है, देखो जिस साइड हम जा रहे हैं उसी साइड वाले पे आ गए। तो अब ठीक है यू टर्न मार के आना नहीं पड़ेगा और वहीं से हम निकल जाएंगे। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ राजेंद्र नगर और सवारी मैंने ड्रॉप कर दिया। और भाई किराया मेरे को मिला है इस वाले ट्रिप पे, एक सेकंड गाड़ी को साइड कर लेता हूँ थोड़ा क्योंकि भाई ट्रैफिक आ रही है पीछे से। आपको दिखा देता हूँ मैं। और भाई अगली ड्यूटी भी आई थी साकेत की बढ़िया सी, लेकिन यार वो ड्यूटी मैंने ना ली नहीं क्योंकि यार मेरी गाड़ी में गैस है नहीं है देखो। तो अगर मैं साकेत चले जाता ना तो भाई बीच में मैं फंस जाता, तो इसलिए मैंने छोटी ड्यूटी ले ली चाणक्यपुरी की। और जो ये मेरी ड्यूटी हुई है ना अभी की ये देखो 215 रुपये मिले हैं राजेंद्र नगर वाली ड्यूटी पर, 16 किलोमीटर गाड़ी चली है। और जो इससे पहले मैं एम्बियंस मॉल से आया था ईस्ट ऑफ कैलाश, तो भाई इस पर मिले मेरे को 257 और गाड़ी चली है इस पर 24 किलोमीटर है। 100 रुपये टोल भी मेरे बच गए, ये देखो मिला हुआ है
ना, और जो एम्बियस मॉल आया था मैं वहाँ से, उस पर मेरे को मिले 152 रुपये। इस पर 12 किलोमीटर गाड़ी चली है, 12 या 13 किलोमीटर चल गई है ना। तो अब तक भाई मैंने 60 ट्रिप कर लिया भाई, और 1570 रुपये का काम हो गया। और अभी मैं जा रहा हूँ एक और पिक करने, ये वाला पिक करने के बाद आज गैस लूँगा, सबसे पहले तो गैस लूँगा, कुछ खाऊँगा पीऊँगा, और फिर उसके बाद एक आध ड्यूटी और करते हुए घर चले जाऊँगा। तो देखता हूँ तो लास्ट मेरा कितने का काम होता है, 200 रुपये और जोड़ दूँगा तो 1770 रुपये का काम हो जाएगा। वैसे तो 100 रुपये हरियाणा टैक्स और 100 रुपये टोल, क्योंकि दोनों मेरे बच गए ना वो। हेलो, हाँ मैडम, उबर से बोल रहा हूँ, आ जाओ, मैं आ गया। ठीक है भाई, ओके। मैंने तो यार टाइम पे ध्यान भी नहीं दिया, और देखो भाई 8:44, 9 बजने वाले हैं। मोड़ना तो नहीं पड़ेगा ना, कैसे निकल जाएंगे ना। हाँ जी भैया, ये देखो भाई, ये ड्रॉप खत्म करते करते ही ना देखो बत्ती जल गई है इसकी, और आगे देखो कोई पागल आ रहा है कोई पागल आ रहा है डिपर मारता हुआ, मैंने भी मारने लग गया उसे। जा तू नहीं, सीएनजी पंप यहीं से पास में ही है, तो सीएनजी पंप चल रहे हैं, फिर कुछ खाएंगे यार, भूख बड़ी जोर की भी लग रही है भाई। मैं पीछे भेलपुरी वाले को भेलपुरी बनाने के लिए बुलाया, और भाई गाड़ी की लाइन आगे बढ़ गई, तो मेरे को भी गाड़ी आगे लेके आनी पड़ गई। अभी सोच रहा हुआ कि भाग गया, चलो कोई नहीं, अभी गैस चला के वापस चल जाऊँगा, फिर ले लूँगा भेलपुरी, या तो वो बंदा खुद ही लेके आ जाएगा बना के। आ रहा है क्या? नहीं आ नहीं रहा। बस एक गाड़ी के बाद मेरा ही नंबर है, लाल वाली गाड़ी हटेगी तो फिर मैं ही लगाऊँगा। तो भाई गाड़ी में डल गई गैस, और भाई टंकी एकदम फुल हो गई, एक पॉइंट कम है ना। और भाई बंदा भेलपुरी वाला भेलपुरी भी ला के दे दिया भाई, मतलब कि मेरे को जाना नहीं पड़ा। तो थोड़ा सा मैं खा भी लिया है ना, 30 रुपये का दिया, लेकिन यार थोड़ा सा महंगा दिया, और ना कुछ खास कुछ डाला भी नहीं है, बस खाली बताया नहीं क्या, गीला गीला सा कर दिया और मुड़मुड़ा है इसके अंदर। भाई थोड़ा सा आगे आते यार ये देखो बर्गर वाले की दुकान है, पहले पता होता तो बर्गर ही ले लेता, कोई नहीं। वैसे भी ये खा के यार पेट तो बढ़ेगा नहीं, तो अभी बर्गर भी खा लेंगे। चलो भाई गोलगप्पे खाते हैं। सूजी गोलगप्पे है भाई, सूजी के खिलाना एक प्लेट। भाई एक ड्यूटी आई तो है ये इंडिया गेट की यार, लेकिन ये फ़ोन ही नहीं उठा रहा, 2 बार कॉल कर लिया यार इसको, अब फिर से कैंसिल मारनी पड़ेगी यार ड्यूटी। तो भाई लेकिन अभी भी बज रही है, देखो यहाँ आसपास कुछ भी सर्च नहीं है देखो, लेकिन फिर भी ड्यूटी बज रही है भाई। 9, 10, 11, 12 बजे तक काम है भाई, 12 बजे तक आराम से सेंट्रल दिल्ली में। और साउथ दिल्ली में देखूँ, साउथ रोहिणी, राजेंद्र नगर, गोविंदपुरी। चलो भाई, पता है कुछ देर पहले ना पहाड़गंज कनाट प्लस अगल बगल है ठीक है, और पहाड़गंज की ड्यूटी आई थी भाई 150 रुपये की, और अभी ना यही ड्यूटी अब कनाट प्लस की आई है भाई, इस पर दिखा रहा है 224 रुपये। मतलब कि इस पर ना मेरे को अलग से इंसेंटिव वाला रेट मिल रहा है, क्योंकि प्योरिटी लिखा हुआ था, तो उसलिए किराया बढ़ के मिल रहा है। तो चल रहे फिर इनको पिक करने के लिए। कोई गाड़ी आ तो नहीं रही, चलो भाई। तो ठीक है भाई, होटल के अंदर तो आ गया, और भाई गाड़ी देखो रेंज रोवर खड़ी है। भाई बहुत तगड़ा होटल है ये, इसके अंदर ना प्राइम मिनिस्टर रुके थे यूएसए के, जो बाइडन, G20 के टाइम पे।
3760. तो भाई मैं आ गया हूँ सोनिया विहार अपने घर के तरफ, और भाई मेरे को ना ड्यूटी मिल गई थी मेरे घर के तरफ की। मैं अपने घर के तरफ कैसे आया हूँ भाई, ये देखो जो मेरे को चाणक्यपुर से ड्यूटी मिली थी कनॉट पैलेस की, खुल जा, वो है ये वाली चाणक्यपुरी से, हाँ कनॉट पैलेस 213 रुपये मिले मेरे को इस ट्रिप पे। फिर कनॉट पैलेस से मिल गई मेरे को ये मुखर्जी नगर की, तो इस पर मेरे को मिले 170 रुपये भाई। फिर मुखर्जी नगर से मिल गई मेरे को सोनिया विहार की चौथे बस्ते की, तो फिर मैं इनको भी लेके आ गया। तो भाई अब तक मैंने 11 ट्रिप कर ली और 2164 रुपये का काम हो गया है। ठीक है, इसमें भाई 200 रुपये मैं और ऐड कर दूंगा, 2164 प्लस 200, 100 रुपये हरियाणा टैक्स और 100 रुपये MCD। ठीक है भाई, 2300 हो गए। और मेरी गाड़ी का गैस लगा है अभी, देखो भाई आधी टंकी भी खाली नहीं हुई है मेरी गाड़ी की, और जो सुबह वाली जो गैस थी वो तो मैंने फुल करवा ली थी समझ लो, तो वो तो पूरी ख़त्म हो गई क्योंकि बत्ती भी चल गई थी, तो 500 की वो गैस हो गई। और ये हो गया करीब करीब 200-250 मान लेता हूँ, है ना 750 की गैस मान लेता हूँ, चलो 750 की गैस हो गई, तो इसमें से माइनस 750 कर देता हूँ, 750, तो भाई 1614 रुपये बचे। ये हुई मेरी आज की अर्निंग। और भाई मैंने काम शुरू किया था 2:30 बजे, मैं घर से निकल गया था, तो 2:30 बजे से मैं जोड़ ही लेता हूँ, 2:30 से 11:30 हो रहे हैं, 2:30 से 11:30 भाई 9 घंटे हो रहे हैं, तो 9 घंटे में 1614 रुपये बच गए। ठीक है, इसीलिए भाई मैं संडे को ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि भाई संडे को ना हमेशा काम रहता है, सैटरडे को भी काम रहता है, संडे को भी काम रहता है, तो मैं भाई ये दो दिन कभी भी नहीं छोड़ता, सोमवार छोड़ दूंगा, मंगलवार छोड़ दूंगा, लेकिन शनिवार संडे नहीं छोड़ता। तो फिर चलते हैं घर की तरफ, यहाँ से ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं अपने घर पे। और भाई इस वीडियो को मैं रखता हूँ यहीं तक, अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। भाई सामने दुल्हन खड़ी है, ये देखो दुल्हन के भी दर्शन हो गए यार, इतनी लेट दुल्हन आई है यार, भाई 11:30 हो रहे यार, कोई बराती भी नहीं दिख रही। जाना है भाई यार।